नमस्कार, स्वागत है आपका mahindraguru.com में। आप देख रहे हैं न्यूज फीवर। मुख्य समाचार 16 अप्रैल 2016 के कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम की प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया। अगला समाचार, पाकिस्तान व चीन ने पाकिस्तान के एक सैन्य अड्डे पर अपना 5वां संयुक्त वायुसेना अभ्यास शाहीन 5 शुरू किया। अगला समाचार, उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुष्मिता पांडे को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला समाचार, भारतीय नौसेना ने नौसेना कर्मियों की सेवाकालीन प्रशिक्षण की खातिर उन्हें स्नातक की डिग्री देने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। अगला समाचार, भारतीय स्टार महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा आयोजित आगामी विश्व चैंपियनशिप के 8 एम्बेसडर में से एक चुना गया। अगला समाचार, वित्त सेवा प्रदाता कंपनी एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स ने दीनानाथ दूभाषी को पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया है। अगला समाचार, राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मास्टर कार्ड के भारतीय मूल के अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अजय बंगा को राष्ट्रीय साइबर आयोग के सदस्य के तौर पर नियुक्त किया। बंगा ओबामा द्वारा गठित राष्ट्रीय साइबर आयोग के 9 सदस्यों में से एक होंगे। अगला समाचार, यूक्रेन की संसद ने पश्चिम समर्थक स्पीकर वोलोदिमिर रूसमेन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अगला समाचार, बीआर अंबेडकर जी की 62वीं पुण्यतिथि पर 6 से 8 दिसंबर 2016 तक दलित साहित्य महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन होगा। आप देख रहे हैं mahindraguru.com। देखते रहिए, खुश रहिए और हमेशा देखते रहिए न्यूज फीवर। न्यूज फीवर चलेगा हमेशा, जो मुख्य समाचार देगा आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।